हाई एवरी वन वेरी गुड इवनिंग टू यू और आपको बता देती हूँ कि थोड़ा सा माइक को लेकर इशू हो गया था आ, इसी वजह से मैंने अभी एक ऐसा स्टैंड बाई माइक यूज़ किया हुआ है जिसमें हम लोग वैसा वो एकदम पूरा एकदम फुल ऐसे वाला फील तो नहीं ले सकते हैं बट आई एम श्योर कि आवाज़ आपको क्लियरली आ रही है और अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी डिस्ट्रप्शन महसूस हो तो तुरंत आप मुझे बता दीजिए एंड मैं तुरंत जो भी है भी कर सकूँगी वो मैं कर दूँगी ओके okay, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बता देंगे कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं एवरी वन ऑल राइट अच्छा अब इसके बाद में सबसे पहले जाकर सारे अपने फ्रेंड्स को बुला के लेके आ जाओ कॉल एवरी सबको बुला के लेके आ जाओ अपना सेशन जो है वो शेयर कर दो सबके साथ में सो दैट एवरी वन क्योंकि आज हम डीप वाटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू डीप वाटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत बार इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं रेपिटेटिव क्वेश्चन आते हैं आज हम वही क्वेश्चन देखने वाले हैं रेपिटेटिव क्वेश्चन यहां से बनते हैं तो इसके लिए आप इस चैप्टर को ना तो अपने बोर्ड्स में छोड़कर जा सकते हो और ना ही आज की क्लास को मिस कर सकते हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज शेयर प्लीज शेयर विद एवरीवन अच्छा तब तक लेट मी सी कि आज क्लास में कौन कौन आ गए हैं तो वी हैव हाय रामू हाउ आर यू हाय मानसी अच्छा एवेंजर हाय एवेंजर हाय तमन्ना हाय मोहम्मद वेरी सून वेरी सोन रिलेटेड टू लाइफ जी डब्ल्यू हाय नेहू बुला के लेके आ जाओ नेहू थैंक यू हाय तमन्ना हाय हाय शिवम हाय लेट्स सी और कौन है आज श्वेता भी है हाय महवेश आर यू हाय आराध्य हाय सोनाली कैसे हो क्या हाल है हाय आयुष कैसे हो अंशु क्या हाल है शिवम हाय रजत हाय सानिया हाय शिवम कैसे हो अच्छा एक शिवम से काफी सारे शिवम को रिप्लाई जा रहा है क्या बात है हाय रजत हाय अक्षिता हाय अंकिता हाय आई लव हाय दीपिका हाव यू हाय अमृता आज हम लोग एमसीक्यूज ही करने वाले हैं आज हम एमसीक्यूज करेंगे तो आज हम कैसे एमसीक्यूज करने वाले हैं आज हम करेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आपको एक्सट्रैक्ट दिया होगा और उसके से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यूज होंगे आपको वहां पे उन एक्सट्रैक्ट की मदद से उन एमसीक्यूज को क्रैक करना है ठीक है ऑल थैंक यू एवरी आई एम फाइन थैंक यू कर दिया मैम शेयर देखो कितने अच्छे बच्चे हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड ऑल दीज किड्स जो सारे के सारे अपने फ्रेंड्स के साथ में अच्छे अच्छे क्लासेस को शेयर करते हैं ना उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में मैं सच बता रही हूँ उनको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग अच्छा अच्छी चीज़ होती है चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड देन अब शुरू कर देते हैं प्रगति देखते हैं हम कल लगाते हैं नवरात्र स्थापना के बाद में चलो शुरू करते हैं आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट एक आ चुका है आप देखिए आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट आ चुका है अच्छा आपका मेरे को यहाँ पर ये फ़ीडबैक लगेगा कि आप लोगों के लिए ये टाइम कैसा है देखिए मैं मेरी जो लाइव क्लास है वो छः बजे लगा रही थी और जब मैं छः बजे लगा रही थी तो मेरे को कॉन्स्टेंटली ये फ़ीडबैक मिल रहा था कि आपके बाकी क्लासेस भी हो रहे हैं एंड आपको चूज करना पड़ रहा है तो मैं ऑफ कोर्स ये नहीं चाहूँगी कि आप किसी कोर सब्जेक्ट की क्लास छोड़कर आप इंग्लिश की क्लास करें क्योंकि मुझे पता है कि इंग्लिश मैं संभाल लूंगी बट आपके लिए अगर कोई कोर सब्जेक्ट की क्लास अभी किसी टाइम पे चल रही है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैंने क्या किया मैंने इस क्लास को इस टाइम पे लगाया नौ बजे तो आपके लिए क्या नौ बजे एक अच्छा टाइम है या फिर आप चाहते हो कि मैं इसे आधे घंटे और आगे करूं साढ़े नौ बजे रखूं जो हमारा टाइम हुआ करता था एक टाइम पे क्या मैं साढ़े नौ से करूं प्लीज़ मुझे जरूर बताना कमेंट्स में बता देना अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में नहीं कमेंट्स में बता देना तो कॉमेंट्स में मुझे पता लग जाएगा ठीक है तो मैं वहां से देख लूंगी ओके तो अभी आपके सामने एक यस आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट आ चुका है और ये आपके से है एनसीआर से है ये एनसीआर का पूरा एक्सट्रैक्ट है जल्दी से इसे रीड कर लीजिए मैं साइड में हट गई हूं तो जल्दी से आप इसे रीड कर लीजिए बच्चों अभी मत बताओ मुझे कमेंट्स में बताना था कि मैं कुछ उसका निष्कर्ष भी निकाल सकूं मतलब यहां से मुझे पता ही नहीं चलेगा आई वुड नो हाँ जी तो आई I... I guess you have read it. If not, read it quickly I went to the pool when no one else was there. The place was quiet. The water was still, and the tile bottom was as white and clean as a bathtub. I was timid about going in alone, so sat on the side of the pool to wait for others. I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably eighteen years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. विद लेग्स एंड आर्म्स डेट शो ड्रिपलिंग मसल ही टू बी डाक्ट सो लेट मी टेल यू मैंने ये चैप्टर एक्चुअली पढ़ा दिया है ये जो चैप्टर है यह चैप्टर पढ़ा दिया है पर अफसोस की बात यह है कि वो आप तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर जब पढ़ा दिया था तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा माइक माईक काम नहीं कर रहा था ओके <laughs> okay, तो आप तक आ जाएगा क्वेश्चन आ गया आपके सामने व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द आप जब यहां पर ये बार बार आई 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 ये ये देखिए जो है ये देखते हैं तो पता चलता है कि ये नरेटर है और ये जो नरेटर है ये नरेटर के बारे में हम लोग को ये जब एक्सट्रैक्ट हम पढ़ रहे हैं तो ये जो एक्सट्रैक्ट है इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर हमें क्या पता चल रहा है नरेटर के बारे में क्या पता चल रहा है ए ही इज अ बिगिनर इन स्विमिंग लेसन बी ही हैज मेड फ्रेंड्स during his स्विमिंग लेसन सी द बिग बॉय वॉज वेल बिल्ट एंड हैंडसम या फिर डी द नरिटर लैक्स करेज कॉन्फिडेंस टू एंटर दूल अलोन लैक्स करेज एंड कॉन्फिडेंस कर सकते हैं या फिर कॉमा लगा सकते हैं हाँ जी सी यूटी की बिल्कुल टेंशन नहीं करेंगे आप लोग जब तक मैं यहाँ पे हूँ आपको बता देती हूँ आपको सीयू की कोई टेंशन नहीं है हाँ जी बता दीजिए क्या लगता है देखो मेरे को यहाँ पे आ, ओके रामू ने आंसर कर दिया है करेक्ट आंसर तमन्ना ने दे दिया है विश का भी करेक्ट आंसर है ए से डी पे आने अरे वाह क्या बात है कितने ऐसे दलबदलू लोग हैं एकदम से ए से डी पे आ गए ए और डी में कंफ्यूजन है आई लाइक योर ऑनेस्टी ये बहुत अच्छा है शुभम शुभम आई विल गिव यू द लिंक ऑफ द वीडियो और मोस्टली uh, हो सकता है कल uh, मैं आपको लिंक दे दूँ क्योंकि एक्चुअली मैंने बना लिया था बट माइक काम नहीं कर रहा था तो इंटायर वीडियो जो फोर्टी मिनट्स का है वो बस म्यूट है इसके लिए उसको हटा दिया है जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो लोग ए से डी में गए जिन्होंने डी ही चूज किया हुआ था बिल्कुल सही आप लोगों ने सेलेक्ट किया है डी इज टू एंटर पूल अलोन असलियत में नरेटर के अंदर ना इतना करेज यानी हिम्मत थी और ना ही उतना कॉन्फिडेंस था कि वो पूल में अकेले जा सके ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है The description of the big boy by the narrator is one of. The description of the big boy by the narrator is one of. Complain, admiration, criticism, your poise. Namaste. Okay. यार कितना अच्छा हो जाएगा जब सारे के सारे बच्चे एक बार अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास को शेयर कर देंगे और सारे बच्चे यहाँ पर आ जाएंगे आई I मीन mean, कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा हम लोगों को एक दूसरे से फटाफट आंसर देने का पहले आंसर देने का है ना और कितना मैसिव सपोर्ट मिल जाएगा तुम्हारी मैम को यार जल्दी से सबको बुला के लेके आ जाओ ऐसे मत करो अच्छा मेरे को यहाँ पर अच्छा अंशु ने सी लिखा है और सी लिख के दिल दिल बनाया है अरे वाह क्रिटिसिज्म से बहुत प्यार है तुम्हें हाँ अच्छा कंप्लेन का मतलब क्या होता है जब आप किसी चीज के खिलाफ बात करते हैं ना जब आप किसी चीज के खिलाफ बात कर रहे होते हैं दैट इज कम्प्लेन तो कंप्लेन तो यहाँ पर नहीं दिख रही है क्योंकि कंप्लेन तो ऐसी ही होती है अरे इसने ये कर दिया इसने वो कर दिया ऐसा है वैसा है ऐसा करके ना तो ये तो नहीं है अब अगर हम बात करते हैं एडमिरीशन की तो एडमिनेशन का मतलब होता है तारीफें मतलब किसी की तारीफ़ में अगर हम कोई बात कह रहे हैं कि अरे ये इतना खूबसूरत है या फिर इसने एकदम पूरी अच्छी बॉडी बना रखी है हाँ ये कितना इंटेलिजेंट है तो उससे हम उसे हम क्या कर रहे हैं उसे हम एडमायर कर रहे हैं तो एडमरेशन ये हो सकता है क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा करना है ना क्रिटिसाइज करना अरे ये ऐसा कर रहा है ये वैसा कर रहा है नहीं ये अच्छा नहीं कर रहा है अरे नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता नहीं तुम ये गलत कर रहे हो हाँ ऐसे होना चाहिए था वैसे होना चाहिए था क्रिटिसाइज करना निंदा करना तो निंदा तो नहीं कर रहा है और ना ही यहाँ पर यहाँ पर कोई भी तरीके का पीसफुल रिलेशन हम लोगों को यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखने को मिल रहा है बिकॉज वो जो बिग ऑफ अ बॉय है वो तो दिखने में ब्रुईजर है मतलब जब मैं बोलती तो इट्स नॉट अबाउट कि वो एकदम ऐसे थोड़ा हट्टा कट्टा है इट्स अबाउट कि वो एकदम दिखने में ऐसे होता तो ना ऐसे भाई टाइप ऐ आ गया है अब रास्ते से हट जा वैसा वाला तो एडमीरेशन क्योंकि उसने बोला आई हाय भगवान ने इसको संडे के दिन बनाया होगा इतना खूबसूरत है यार कितना खूबसूरत है हा इसके आर्म्स देखो इसके इसके आर्म्स देखो इसके लेग्स देखो इसके चेस्ट पे बाल देखो क्या कमाल का लग रहा है ये तो इसीलिए एडमिडेशन इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सी सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द प्रोबेबल रीजन फॉर द बिग बॉयज बिहेवियर टूवर्ड्स द नरेटर यार जब आप देखते हो आपके ये जो बड़ा बच्चा है बिग बॉय बिग बॉय यानी कि वो जो बुली था उस बुली का जो बिहेवियर देखते हो नरेटर की तरफ उस बुली का जो बिहेवियर देखते हो आप नरेटर की तरफ आपको क्या लगता है उसने नरेटर को इस तरीके से क्यों ट्रीट किया क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है इसका क्या पॉसिबल रीजन हो सकता है आपका ऑप्शन है हिज इंटेंशन टू फ्राइटन द नरेटर वो उसकी उसकी इंटेंशन क्या थी उसकी इंटेंशन थी कि वो डरा दे नरेटर को या फिर हिज डिजायर टू गिव हिम अ सरप्राइज उसकी इच्छा थी कि वो नरेटर को एक सरप्राइज दे दे Oh wow, हैप्पी बर्थडे हाँ या फिर द प्लेस वॉज क्वाइट एंड ऑट वहां पर जगह बहुत ही ज्यादा शांति बहुत ही अजीब थी हाय तनुष्का या फिर डी द नरेटर वॉज स्किनी एंड अलोन नरेटर जो था वो पतला दुबला था और अकेला था अब देखो जैसे जैसे मैं मीनिंग बताती जा रही हूँ जैसे जैसे मैं मीनिंग बताती जा रही हूँ आप में से बहुत सारे बच्चों के ऑप्शंस बदलते जा रहे हैं आप समझ रहे हो ये क्या हो रहा है आप ना एग्ज़ाम में भी यही करते हो एग्ज़ाम में भी जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ऑप्शन देखते हो तो आपको कोई एक ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है आपको लगता है यही आंसर है और आप उस पर टिक कर देते हो इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस और इसमें बहुत बार आपके आंसर्स गलत होते हैं मैक्सिमम टाइम में आपके आंसर गलत होते हैं क्योंकि एमसीक्यूज बनाए इसके लिए जाते हैं कि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर एक्स्ट्रा से ऑर्डनरी में पटका जाए समझ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन है आपको हमेशा क्वेश्चन को आपकी जो भी फमिलियर लैंग्वेज आप जिस भी भाषा से बहुत फमिलियर हैं है ना वो हिंदी हो सकती है मराठी हो सकती है उड़िया हो सकती है जो भी भाषा से आप बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है पहले तो आप इसको उसमें ट्रांसलेट कर लीजिए आपकी भाषा में ट्रांसलेट कर लीजिए ताकि से आपको ये जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और फिर हर एक ऑप्शन को ट्रांसलेट कीजिए और हर एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते रहिए कभी भी सही ऑप्शन पे मत जाइए हमेशा गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए दोनों बातों में फर्क है अगर आप सही ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपके चांसेस उस ऑप्शन के सही होने के कम होते हैं पर जब आप हर एक ऑप्शन का आलंकन करते हैं हर एक ऑप्शन को इवेल्युएट करते हैं कि ए क्यों नहीं होगा बी क्यों नहीं होगा सी क्यों नहीं होगा डी क्यों नहीं होगा तो जो ऑप्शन पीछे रह जाता है उससे बेस्ट ऑप्शन ही कोई नहीं होता तो वहां आपके आंसर सही जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं है ना तो हमेशा ट्रांसलेशन कीजिए और फिर एलिमिनेट कीजिए देखो मैं ट्रांसलेट कर रही हूं तो आपको कितनी आसानी हो रही है इस क्वेश्चन को करने में है ना तो आप भी ऐसा ही कीजिए एग्जाम में तो आंसर ज्यादा सही जाएंगे ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डी द फिगर ऑफ स्पीच इन द एक्सप्रेशन एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब इज बच्चों यहां पे आपको एक फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिल रहा है ना व्हाट इज अ फिगर ऑफ स्पीच वो लिटरे डिवाइसेज जो आप पढ़ते रहते हैं उसे हम फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच आपको यहां पर देखने को मिल रहा है वो कौन सा है एज वाइट एंड क्लीन एज अ अब तो क्या आपको यहां पर मेटेफोर देखने को मिल रहा है क्या आपको यहां पर एलिट्रेशन देखने को मिल रहा है सिमिली देखने को मिल रहा है या फिर आयनी देखने को मिल रहा है यार बच्चों इस तरीके से तुम लोग अगर करोगे ना तो फिर ऐसे मतलब एकदम पूरा ऐसा नहीं लगाऊंगी मैं क्लास हाँ खत्म ही कर दूँ क्या लाइव क्लासेस ऐसा करती हूँ वन शॉट वीडियोस दे देती हूँ बात खत्म करती हूँ यार तुम्हारे लिए लाइव क्लासेस लगा रही हूँ तो किसे तुम ये सारे क्वेश्चन मुझे पता है कि तुम अलग से बैठ कर तो करने से रहे इतना तो मैं मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें कभी भी जीवन में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि तुम इंग्लिश में बैठो बैठ कर सारे स्ट्रैक बेस एक्स्ट्रैक बेस्ड क्वेश्चन करो तो मैं वो लाइव क्लास लगा रही हूँ चाहे छह बजे चाहे नौ बजे चाहे साढ़े नौ बजे जैसा आप कह रहे हो उसके अनुसार अब यार उसके बावजूद अगर आप नहीं देखने आओगे हाँ या फिर आप शेयर नहीं करोगे तो बंद कर देनी चाहिए ना यार फिर तो मेरे को लगता है मतलब ही क्या हुआ हाँ एस बी सी आर्मी के इतने से बच्चे डिजर्व करती है बस इतने से लाइव वॉचिंग डिजर्व करती है कैसा लगेगा अड्डा वालों को ये जान के दैट्स सो बैड यार सो बैड एनी वे मेटाफॉर एलिट्रेशन सिमिली आयरनी ये आपके पास में ऑप्शन हैं और इनमें हम देखते हुए चलते हैं एलिमिनेट करते हुए चलते हैं मेटेफर मेटेफर का मतलब होता है जब मैं कंपैरिजन डायरेक्टली कर रही हूं यानी कि जब मैं यहां पे ना लाइक like लगा रही हूं ना एज लगा रही हूं मैं सीधा सीधा कंपैरिजन कर रही हूं तो मैं उसे बोलती हूँ मेटेफर ठीक है उसे क्या बोलती हूँ मेटेफर तो इसके लिए ये तो नहीं होगा क्योंकि यहां पर मेरे पास में कंपेरिजन हो रहा है एज और वाई एज uh, की मदद से बेसिकली फिर आता है एलिट्रेशन बच्चों एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन एलिट्रेशन तो यहां पर कोई भी ऐसी साउंड नहीं है जो रिपीट हो रही है कॉन्सोनेंट और वो रिपीट हो रही है तो इसके लिए ये भी गलत है है ना फिर आता है आपका सिमिली सिमिली का मतलब क्या होता है बच्चों सिमिली का मतलब होता है जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के बीच में तो और दोनों चीजों के बीच में कंपैरिजन लाइक या एज की मदद से हो मतलब अगर मैं कंपैरिजन कर रही हूं और वो कंपैरिजन लाइक या फिर एज की मदद से हो तो उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं सिमिली एंड फिर फाइनली आता है आयरनी आयरनी का मतलब क्या होता है आयरनी का मतलब होता है जो कहा हुआ चीज है मतलब एक तरफ है कही हुई बात और दूसरी तरफ क्या है दूसरी तरफ है आपकी रियालिटी तो जब उन दोनों में डिफरेंस होता है तो उसे हम क्या कहते हैं आयरनी कहते हैं तो अब हमें ये तो पता है कि यहाँ पर ना तो मेटोफर ना इलेक्ट्रेशन ना आयरन ही है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया सिमिली यहाँ पे लाइक like और एस की मदद से कंपेयर कंपेयर किया गया है सब लोग खाना खाने लग गए हैं इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आधे घंटे आगे शिफ्ट करना चाहिए मतलब साढ़े नौ बजे तो मुझे एक बार ज़रूर बताना क्योंकि मेरे को कोई टेंशन नहीं है आप मुझे जब बोलोगे कि मैम इस टाइम पे हम लोग फ्री होते हैं इस टाइम पे आप क्लास लगा लीजिए मैं तो उसी टाइम लाइव क्लास लगा लूंगी बट देखो मैं चाहती हूँ कि आप जब लाइव क्लास में आओ ना तो आप पूरी एकदम फुल एनर्जी के साथ में आओ इस एनर्जी के साथ में कि यार आज तो मेरे को यहाँ से कुछ क्वेश्चन करके जाने और जो क्वेश्चन मैंने करने हैं ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि बस अब इसके बाहर मेरे को कुछ नहीं है मेरा हो गया डीप वाटर आज यहां मेरे को काफी सारी चीजें समझ में आ गई आप मेरे को मैं आराम से बाद में मैम वापस जब रिविजन कराएगी क्वेश्चन के थ्रू मैंने तब भी क्वेश्चन के थ्रू रिविजन करना है तो आप उस चीज के साथ आओ और आप ये भी सोचो कि यार ठीक है आप लोग एक बार अपने ग्रुप के अंदर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ऐसे ऐसे लालची नहीं होना चाहिए यार सेल्फिश नहीं होना चाहिए मैं मैं ही मैं कर लूँ बस क्लास और कोई ना करे ऑल राइट right. The writing style of the narrator indicates that the passage can be classified under uh, a, yeah, an interview, autobiography, fiction, yeah, or short story. अब यार आपने ये एकदम पूरा जो एक्स्ट्रैक्ट देखा वो जो एक्स्ट्रैक्ट है उस एक्स्ट्रैक्ट को देखकर क्या लग रहा है मतलब उसकी जो राइटिंग है उसको देखकर क्या लग रहा है क्या वो एक इंटरव्यू लग रहा है ऐसा लग रहा है दो लोग बातचीत कर रहे हैं या फिर वो ऑटो बायोग्राफी लग रही है ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी की आत्मकथा हो या फिर फिक्शन लग रहा है यानी कि उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी एक छोटी सी कहानी लग रही है बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑटोबायोग्राफी हकीकत में डीप वाटर जो है विलियम डगलस की विलियम डगलस की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स क्या नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स ऑफ मैन एंड माउंटेंस का एक्सर्प्ट है तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी और उसी का एक हिस्सा जो है वो डीप वाटर है इसीलिए यहां पर आप देखोगे तो ये पूरा ऑटोबायोग्राफिकल तरीके से नरेट किया हुआ है अच्छा जल्दी से मुझे बता दो किसके कितने आए पांच में से पांच आए किसी के कोई है फाइव में से फाइव वाला कोई है क्या फाइव में से फाइव वाला जल्दी से बता दो और आ जाओ नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे ये रहा हमारा नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट Then all effort ceased. I relaxed. Even my legs felt limp, and a blackness swept over my brain. It wiped out fear. It wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy. To go to sleep. No need to jump. Too tired to jump. It's nice to be carried gently, to float along in space. Tender arms around me, tender arms like mothers. Now I must go to sleep. I crossed to oblivion and the curtain of life fell. Okay. Yes, your ye question number one from this extract. चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेफरेंस टू द टू स्टेटमेंट गिवेन बलो आपको यहां पर दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको यहां पर दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और आपको यहां पर इन दोनों स्टेटमेंट्स में से दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करके और फिर आपने क्या करना है ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो पहला ऑप्शन पहला स्टेटमेंट देखिए द ऑथर ट्राइड इज बेस्ट टू जंप आउट ऑफ वाटर और दूसरा स्टेटमेंट है

बोथ स्टेटमेंट्स आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है सी और ए मे भी ओहो ये मे भी नहीं करना है बताओ एकदम इसे क्या लग रहा है एक चूज करो मैम ए शायद ए को लॉक कर दू काफी बच्चे ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे सी के बीच में भी फंसे हुए हैं and then we have someone from D ठीक है ठीक है ये देखो ए कहता है if statement one is the cause, अगर ये cause है अगर इफेक्ट तो इसका इफेक्ट ये है यानी के ऑथर ट्राइड इज बेस्ट टू जंप आउट ऑफ वॉटर ऑथर ने अपना हंड्रेड परसेंट दिया पानी से बाहर निकलने का इसीलिए आफ्टर while, कुछ देर बाद ऑथर was नॉट anxious इन water. ऑथर पानी के अंदर anxious नहीं थे ये लग रहा है देखो अगर कुछ नहीं बनेगा तो इसपे टिक कर देंगे अगर कुछ नहीं बनेगा तो इस पे टिक कर देंगे हाँ जी नेक्स्ट बोलता है इफ वन इज द इफेक्ट टू इज कॉज अच्छा मतलब कुछ देर बाद ऑथर एंशियस नहीं थे पानी में क्योंकि नहीं इफ वन इज द इफेक्ट हाँ तो यहाँ पे ऑथर ऑथर ट्राइड हिज बेस्ट टू जंप आउट ऑफ वाटर ऑथर ने पानी से बाहर निकलने की फुल कोशिश की क्योंकि कुछ देर बाद ऑथर वॉज नॉट एंशियस इन वॉटर ऑथर पानी में एंशियस नहीं थे जब भी कोई भी कॉज होता है ना तो उसके आगे क्योंकि लगा दो तो अपने आप पता चल जाएगा कि सेंस कर रहा है या नहीं पहला वाला ऑप्शन कह रहा है वन इज द कॉज ठीक है कि यहां पे ऑथर जो है ऑथर ट्राइड इज बेस्ट टू जंप आउट ऑफ वॉटर ऑथर ने क्योंकि बाहर पानी से निकलने का फुल एकदम कोशिश किया था इसीलिए कुछ देर बाद ऑथर वॉज नॉट एंशियस इन वॉटर और दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऑथर Uh, यहाँ पे जंप करने की कोशिश कर रहे थे पानी से इसका इफेक्ट निकल कर आ रहा है ठीक है इसका इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है कि क्योंकि वो वहां पे इसे जंप करने की कोशिश कर रहे थे तो उसका नतीजा क्या निकला कि वो आंशियस नहीं है पानी में ठीक है और तीसरा वाला तो सी तो एकदम अलग ही कह रहा है सी कहता है बोध आर इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कॉज मतलब ये किसी एक रीजन के इफेक्ट्स हैं मतलब कोई एक कॉज है जिसके ये नतीजे निकले हुए हैं कि ठीक है एक कॉज है और उस कॉज से ये दोनों इफेक्ट्स निकले हुए हैं लग रहा है कि ये इफेक्ट्स है ये तो एक्शन है ये तो अपने आप में एक्शन है तो ये तो एक्शन हो रहा है कि ठीक है यार अभी उन्होंने यहां पर कोई चीज एक्ट करने की कोशिश की है तो मुझे लगता है कि ये तो ज्यादातर रीजन हो सकता है किसी चीज का तो ये भी नहीं लग रहा है और ये भी नहीं लग रहा है तो इसके बाद में लास्ट बोलता है बोथ द स्टेटमेंट्स आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉजेस कि भाई इसका कोई और रीजन है और इसका कोई और रीजन है कि भाई यहां पे ऑथर ने अपना पानी में एकदम जंप करने की फुल कोशिश की इसका कोई और रीजन है ठीक है और ऑथर पानी के अंदर अब नहीं थे इसका कोई और रीजन है ये डी वाला जो ऑप्शन होता है ना ये डी वाला ऑप्शन ऐसे 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 मनमर्जी से टिक नहीं करना चाहिए हमेशा इसके अंदर पे रिलेशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ऐसे में आप क्या स्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं मालूम है कि इन दोनों के बीच में कनेक्शन है कुछ ऐसे कॉजेस के थ्रू कुछ ऐसे कॉजे के थ्रू जिनके ये इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट क्या है मतलब ये दोनों क्या है इफेक्ट्स निकल रहे हैं तो कोई ऐसे दो इंडिपेंडेंट कॉजेज है जिनमें रिलेशन है और उनके नतीजे ये निकल रहे हैं अब आपको बताती हूँ स्टोरी में क्या हुआ था स्टोरी में ये हुआ था कि ऑथर जब पानी में डूब गए थे उन्होंने हंड्रेड परसेंट अपना लगा दिया पानी से बाहर निकलने के लिए इतनी कोशिश करी इतनी कोशिश करी कि वो एग्जॉस्ट हो गए और क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो गए तो थोड़ी देर के बाद में तो वो थक गए इतना ज्यादा थक गए कि अब वो पानी के अंदर चिंतित नहीं थे उनकी सारी चिंता दूर हो चुकी थी क्योंकि वो बेहोश हो रहे थे तो अगर चारों ऑप्शन को इवेल्युएट करके देखती हूं तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है क्योंकि फर्स्ट वाला जो मेरा ये है स्टेटमेंट ये तो मेरा हमेशा और हमेशा एक्ट है ये हमेशा मेरे ऑथर का एक्शन है एक्शन यहां पर वो हमेशा यही कर रहे थे ऑथर कि वो पानी से बाहर निकलने का जंप कर रहे थे तो इसके लिए हम कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि इफेक्ट हो सकता है तो इफेक्ट नहीं हो सकता तो बी भी, भी नहीं हो सकता सी भी नहीं हो सकता डी भी नहीं हो सकता तो इसको ए करना पड़ेगा इसके अलावा इसके और कोई ऐसा नहीं है कि और कोई बेटर ऑप्शन हम इसका ढूंढ सकते हैं क्या हम ए के साथ सेटिस्फाइड हैं ए के साथ भी सेटिस्फाइड नहीं है ठीक है बट इससे बेस्ट कुछ नहीं है तो कभी कभी बोर्ड्स में ऐसा होता है द वे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है तो कभी कभी बोर्ड्स में भी ऐसा हो जाता है कि कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये मत देखो रे, रे, ये क्वेश्चन ही गलत है क्वेश्चन ही गलत है इस क्वेश्चन को नहीं करना है हमेशा बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करो क्योंकि उससे आपको बोनस भी मिलता है और हो सकता है कि वो सही भी हो तो आपको जो भी लगता है कि इसमें सबसे बेस्ट है उसको टिक करना है और मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट ए है क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट वन तो क्लियरली स्टोरी के अकॉर्डिंग सिर्फ एक एक्शन है हम इसे किसी चीज का नतीजा नहीं कह सकते हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ऑथर डूब रहा था तो इस वजह से वो बचने की कोशिश कर रहा था ना? तो वो वो नहीं हो सकता है तो हम यहाँ पर इन्हें एक्शन की तरह देखते हैं कि ये रीजन हो सकता है कि ठीक है ये ये वो आ वो कूदने की कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है वो एक एक्शन हो सकता है जिससे कोई और रिजल्ट निकल सकता है जैसे कि वो बच गया या वो डूब गया या वो हार मान गया या उसके उसके मन में हमेशा के लिए डर पनप गया है ना तो ये इफेक्ट नहीं हो सकता इसीलिए बी सी डी नहीं होंगे ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी कहता है द कर्टन ऑफ लाइफ फेल कॉरिस्पॉन्स टू एन आस्पेक्ट ऑफ अब यार बच्चों देखो मतलब एक तो एकदम हम लोग फुल ड्रामेबाज और इसके बाद में हमारे विलियम डगलस जी जो है डीप वॉटर के नरेटर ऑथर प्रोटेगनिस्ट ये भी ड्रामेबाज है इन्होंने क्या हुआ जैसे ही ये बेहोश हो रहे थे जैसे ये बेहोश हो रहे थे तो इन्होंने कहा मानो जैसे जिंदगी के पर्दे गिर गए अब यार उन्होंने ये चीज कह तो दी पर जिंदगी के पर्दे वाली बात आपको कौन से एस्पेक्ट से जुड़ी हुई लगती है क्या आपको लगता है कि ये ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ है हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है स्पॉर्ट से जुड़ा हुआ है या ड्रामा से जुड़ा हुआ है मुझे लगता है मैंने सबसे बड़ा हिंट तो तभी दे दिया था जब मैंने अपने आप को और आपको ड्रामेबाज कहा था है ना तो बिल्कुल सही है ड्रामा इज दी करेक्ट आंसर क्योंकि ड्रामा में ऐसा ही होता है ड्रामा में ऐसा ही होता है है ना ऐसे पर्दे खुलते हैं तो ड्रामा शुरू होता है और पर्दे बंद होते हैं तो ड्रामा बंद हो जाता है हम लोग सब ना एक रंगमंच का ही हिस्सा है ऐसा ही होता है जैसे पर्दे खुलते हैं हम लोग सब एक्ट करना शुरू करते हैं और जिंदगी के अंदर बस ये एक्ट ही करते रहते हैं और जैसे ही पर्दे बंद हो जाते हैं ये ये यहाँ से हम लोग चले जाते हैं और फिर कोई एक नया नाटक शुरू होता है एक नई कहानी शुरू होती है है ना एकदम ऐसा ही वो बोलना चाहते हैं चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी द पर्पस ऑफ यूजिंग एलिप्सिस इन डी पैसेज पैसेजिस टू बच्चों जैसे आप लोग बहुत बार व्हाट्सएप इधर उधर जहां पर भी ऐसे मैसेजेस कर रहे होते हो तो ऐसे डॉट 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 कर देते हो इस डॉट 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 को इलेप्सिस कहते हैं अब यहाँ पे आपने देखा पैसेज के अंदर ऑथर ने बहुत सारी जगह पे इनका इस्तेमाल किया हुआ है देखो इधर देखना आ, लेट सी ये देखो कितनी सारी जगह पे कितनी सारी जगह पे एलिप्सिस का इस्तेमाल किया हुआ है अब देखो सवाल ये है सवाल ये है कि ऑथर ने इनका इस्तेमाल किया क्यों क्यों किया होगा क्यों किया किया होगा इसका इस्तेमाल शो ओमिशन ओमिशन शो करने के लिए सब में सब में सारे मीनिंग्स बताऊंगी मैं है ना फिर तुम लोग ना क्या है कि तुम बहुत चतुर हो तो इधर मैंने इधर थोड़ा सा भी और मीनिंग थोड़ा सा भी और हिंट दिया ना तो उधर तुम आंसर बता देते हो इंडिकेट पॉजेस शॉर्ट इन ए डायलॉग या फिर रिप्लेस एन आइडिया लेट सी कनिष्का तनिष्का सेंग सी होगा अच्छा आई कैन सी कि एस डी सी आर्मी सेशन को शेयर कर रही है है ना आई कैन सी मोर पीपल आर ज्वाइनिंग एस डीसी आर्मी एकदम सेशन को शेयर कर रही है और एकदम फुल सारे के सारे बच्चे आ गए हैं यहाँ पे तो मेनी पीपल तो क्योंकि आप लोग सेशन को कंटिन्यूसली शेयर कर रहे हो तो थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू एवरीवन बिकॉज अब मुझे लग रहा है कि आपके लिए लाइव क्लासेस लाना जो है वो फ्रूटफुल रहा आप लोग इंटरेस्टेड हो इन लाइव क्लासेस में इन प्रैक्टिस क्लासेस में आप चाहते हो कि हम लोग पूरी एक दो तीन एकदम पूरे से दस पंद्रह बुक्स का ऐसा लग रहा है कि पूरा एक निष्कर्ष निकाल कर यहां पर क्वेश्चन कर लें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे मेहनत सफल हो गई है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू चलो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दे दिया है इंडिकेट पॉजेस इंडिकेट पॉजेस इज द करेक्ट आंसर बच्चों जब भी हम ये इलिप्सिस लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कोई पॉज कर रहे हैं मतलब हम जैसे बात करते करते सांस लेते हैं ना जब ऐसे ऐसे तो एकदम से तुम जब बिल्कुल भी सुनते नहीं हो आप तो बबीता जी के पीछे पड़े रहते हो आप तो सुंदर का हमेशा करते ऐसे तो नहीं बोलते ना हम लोग हाँ हमेशा जब भी बोलते हैं तो पॉज करते हैं ना बात करते करते थोड़ा 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 पॉज करते हैं तो यूजुअली जब हम पॉजेस को इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं पर जब हम ड्रामा में जब हम लोग बताना चाहते हैं ना कि वो एकदम ऐसे वो एकदम ऐसे सांस भरा पॉज हम दिखाना चाहते हैं वो पॉजेस इंडिकेट करना चाहते हैं कि रीडर भी जब रीड करे तो उन पॉजेस के साथ करे तो हम इलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं किसका इस्तेमाल करते हैं इलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं डॉट 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 हाँ ओके ओके समझे ओके ऑल राइट अब बच्चो यहां करेक्ट आंसर है अब शो ओमिशन शो ओमिशन तो नहीं हो सकता था शो का मतलब होता है दिखाना ओमिशन का मतलब होता है कोई चीज ओमिट हो गई है कोई चीज छूट गई है तो छूटा हुआ कोई चीज दिखाना ना ना ना, नहीं होगा शॉर्ट एंड ए डायलॉग क्या किसी डायलॉग को छोटा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा नहीं किया जाएगा रिप्लेस एन आइडिया किसी आइडिया को रिप्लेस करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं भाई इसकी जगह मैं यह कहना चाहता हूं नहीं 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 किया जा सकता तो इसको भी हटा देते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इंडिकेटर पॉज आगे बढ़ते हैं यार मैं सच में तुम लोगों के साथ मजाक कर रही थी मैं लाइव क्लासेस थोड़ी रोक दूंगी तुम्हारी एंड नाउ आई कैन सी सो वेरी ऑफ यू आर शेयरिंग द सेशन एंड सो मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग आई कैन टेल यू हैव सीन दिस आफ्टर सो लॉन्ग क्योंकि देयर वाज दिस देयर वाज दिस बिग चेंज एंड एकदम से ऐसा लग रहा था जैसे बच्चों के साथ में कनेक्शन जो है वो एकदम से ऐसा हो रहा था और फिर मैं लाइव क्लासेस लगा रही थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कहीं पर ऐसा नहीं हो जाए कि बच्चों की जो क्लासेस है वो मिस हो रहे हो या फिर कोई किसी के क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो रहे हैं किसी का कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो इधर से उधर इधर से उधर यहाँ पे ये करना है ये वाले चैप्टर करना है ये वाले प्रैक्टिस क्लास करना है उसके बीच में मुझे लग रहा था मेरे बच्चे बेचारे एकदम लूज होते जा रहे हैं छः बजे भी आ रहे हैं इधर भी जाना है उधर भी जाना है है ना तो मैंने नौ बजे का कर करवाया और जैसे मैं क्लास में आई तो मेरे को ऐसा लगा मेरे को यार कोई आया ही नहीं क्लास में क्या हो रहा है ये इतने से बच्चे और अब आप एकदम फुल पागल हो एकदम मैं लाइव क्लासेज नहीं छोड़ रही हूँ थैंक यू सो मच मैं लाइव क्लासेज लगाऊंगी आप मुझे टाइम बता देना आपको छह बजे आना है आपको नौ बजे आना है आपको साढ़े नौ बजे आना है एंड हम उसी टाइम पे कंटिन्यू करेंगे ठीक है चलो ठीक है बुद्धू बच्चों ऐसा नहीं कर सकती है तुम्हारी मैम विच ऑप्शन इंडिकेट द पोएट लॉस्ट कॉन्शियसनेस कौन सा ऑप्शन ऐसा इंडिकेशन देता है कि पोएट जो है वो कॉन्शियस नहीं रहे बेहोश हो गए थे बेहोश हो गए थे हाँ जी इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल जब पोएट ने बोला इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल या फिर आई क्रॉस टू बन जब पोएट ने बोला आई क्रॉस टू बन या फिर टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स जब पोएट ने बोला ऐसा लग रहा था जब पोएट ने बोला ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एकदम जादू की झप्पी दी हो जैसे कि मम्मी देती है एंड फाइनली इट वाइप्ड आउट फ्यर जब पोएट ने बोला कि मेरा सारा डर जो है वो जा चुका था बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रही है एसडीसी आर्मी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आई क्रॉस टू ओब्लिवियन बी इज दी करेक्ट आंसर जब बोएट ने बोला आई क्रॉस टू ओब्लिवियन मतलब जिंदगी इधर है मौत इधर है इधर जिंदगी से वो मौत में चले गए थे ऐसा होता है ना कि एक थिन लाइन डिफरेंस होता है तो ये क्रॉस टू ओब्लिवियन ओब्लिवियन का मतलब क्या होता है अनकॉन्शियसनेस बेहोशी बेहोशी ओके तो बी इज दी करेक्ट आंसर बी इज दी करेक्ट आंसर ऑल राइट अब मेरे को जल्दी से बता दो किस किस का कितना स्कोर रहा जल्दी से बता दो फोर में से कितने आए चार क्वेश्चन थे फोर में से फोर किसने स्कोर किया जल्दी से फोर में से फोर लिखकर बता दो और ये रहा आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट ये रहा आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं चलो एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड प्लीज Okay. From the beginning however I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him. Yet the waves knocked me down and swept me over. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. My introduction to YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while I gathered confidence, I paddled with my new water wings, watched the other boys uh, and trying to learn by aping them i did this two or three times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened all right Ye lije, question number one choose the word that means the opposite of aversion as a word kachunav the ka opposite of aversion wordka opposite of aversion wordka opposite traction attraction एरियुडिशन या फिर अफेक्शन हाँ जी मैम मेरे तीन आए कोई बात नहीं जो ये जो बच्चे होते हैं ना जो एग्जे टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो लिख लिख के बातें कर रहे होते हैं हाँ यार हाँ यार तू बता कहाँ चलना है मैं चलती हूं ये वो है ना उन बच्चों के तीन आए हैं क्योंकि एकदम सिर्फ बातें करने पर पूरा ध्यान है ट्रैक्शन अट्रैक्शन या फिर अफेक्शन होना चाहिए क्या लगता है उल्टा बताना है अवर्जन का अच्छा अवर्जन का मतलब क्या होता है अवर्जन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। तो इसका उल्टा क्या होगा क्या कह सकते हैं किसी की तरफ आकर्षित अरे हाँ तो डरते क्यों हो डर क्यों रहे हो बी विल बी द करेक्ट आंसर अट्रैक्शन अवर्जन का मतलब होता है किसी चीज से दूर जाना ठीक है तो किसी चीज को ना पसंद करना स्ट्रॉन्ग तो फिर इसका उल्टा क्या हुआ अट्रैक्शन ओके okay. यहां पे देखेंगे दिख रहा है hmm. देखना जरा विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस शो वॉट वॉटर विंग इज इनमें से कौन सा साइन बताता है वाटर विंग क्या होता है एक वाटर विंग क्या होता है साइन साइन को देखो और बताओ वाटर विंग कौन सा होता है बिल्कुल सही बताया डी इज द करेक्ट आंसर वॉटर विंग इस तरीके से आर्म्स में पहने जाते हैं छोटे बच्चे पहनते हैं ना ये छोटे बच्चे पहनते हैं और ये छोटे बच्चे इससे क्या होता है डूबते नहीं है तो हाथों को मूव करने में आसानी होती है और डूबते भी नहीं है वेरी गुड बच्चो वेरी गुड अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार वॉट डज द फ्रेज फील एट ईज मीन योर फील एट ईज का क्या मतलब है फील एट ईज का क्या मतलब है कंफर्टेबल एंशियस रिलैक्सड embarrassed या unembarrassed। अरे ये तो तुमने लाइव क्लास मांग ली तुम जान मांग लेते हम जान दे देते क्या बात करते हो हाँ जी क्वेश्चन नंबर थ्री ओके कंफर्टेबल तो मान सकते हैं फील टीज का मतलब है ठीक है आप कहीं पर बहुत ही एकदम एकदम ऐसे रिलैक्स कर सकते हो तो बहुत आसानी से बैठे हो बात कर रहे हो चल रहे हो हाँ अंदर से घबरा नहीं रहे हो तो कंफर्टेबल मान सकते हैं तो वन तो हो गया अब देखो वन इसका होगा तो ए अपने आप एलिमिनेट हो गया और डी अपने आप एलिमिनेट हो गया क्योंकि मुझे वन तो करना ही करना है अब मेरे पास बचता है बी और सी क्या वन फोर और सिक्स होगा या वन थ्री और फोर होगा वन फोर और सिक्स कम्फर्टेबल रिलैक्सड अनबैरस्ड ये मेरे को सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है क्योंकि वन का मतलब क्या है एकदम कंफर्टेबल हो चुके है रिलैक्स कर रहे हैं तो एकदम रिलीफ में है बॉडी और बिल्कुल कुछ भी ऐसा ऐसा नहीं है कि ठीक है यार थोड़ा शर्मा रहे हैं कोई शर्मिंदगी हो रही है कुछ भी है ना तो ये सबसे बेस्ट है सी कहता है कंफर्टेबल थर्ड है वरीढ़ अरे वरीड तो एकदम उल्टा हो गया तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो सी भी एलिमिनेट हो जाएगा विल बी दी करेक्ट आंसर ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करना कोई एक ऑप्शन पकड़ लो अगर वो एक ऑप्शन चल रहा है एक ऑप्शन लिख लो अगर वो एक ऑप्शन जो है वो बढ़िया चल रहा है आपका ठीक है यहाँ पर कहीं पर भी वो एकदम फिट हो रहा है तो बाकी सारे ऑप्शन उसके भरोसे एलिमिनेट हो जाएंगे वॉइस में इश्यू आ रहा है वॉइस में इश्यू आ रहा है क्या अभी भी इशू आ रहा है कि अब ठीक है अभी भी इशू आ रहा है कि अब ठीक है क्या आप ठीक है सही है सही है, सही है। क्लियर 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 एवरी थिंग इज़ क्लियर अच्छा मैम को खुद ही सुनना पड़ेगा मुझे लगता है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जो हैं देखो अगर तुम ना मजाक कर रहे हो तो ये बहुत ही गंदा मजाक है सच में मैं बता दे रही हूँ बहुत ही बहुत ही गंदा मजाक है ठीक है मैं एक बार इसका आवाज और मुझे पता चल गया है कि ये मजाक कर रहे हो तुम क्योंकि मैंने यहां पर पीछे पैकेट पे आवाज लगा के देख लिया है और आवाज सही आ रही है कैसे ज्यो यार कैसे ज्यो बहुत बुरे हो तुम बहुत बुरे ऐसे मजाक नहीं करते हैं चलो कोई बात नहीं आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट पे आ गए हैं एक्सट्रैक्ट रीड कर लेते हैं चलो जल्दी से एक्सट्रैक्ट रीड करो आवाज ठीक है ना ओके एक्सट्रैक्ट रीड करते हैं टाइनी वेस्टजिस उल्लू बना के क्या मिलेगा तुम्हें यहां <laughs> हाँ ऐसे ऐसे टीचर को उल्लू बनाते हैं क्या कितनी बुरी बात है कितनी बुरी बात है मिल गया तुम्हें चैन मिल गया हाँ स्पैम करके एकदम से मिल गया चैन ठीक है टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी आ वेल हियर्स टू यू लुक And off I'd go for another length of the pool. This went on until July, but I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So, went to the la lake Wentworth in New Hampshire. Okay. Ye rakhne, lakes ke naam Dived off a dock at Triggs Island. Okay, and swam 2 miles across the lake to Stampact Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke, backstroke. Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in miniature. The old sensation returned in miniature. Full stop. मुझे माफ कर दो यार क्या चल रहा है ये आज हो जाए वन थाउजेंड वॉचिंग हो जाए नाइन हंड्रेड चल रहा है और यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक स्पैम चल रहा है यार मुझे माफ कर दो मुझसे गलती हो गई मैं नहीं छोड़ूंगी लाइव क्लासेस कभी नहीं मैं आपका पूरा सारा एक एक चैप्टर जो है आप इसी तरीके से अगर लाइव देखेंगे ना तो एक एक चैप्टर आकर आपको पूरा सारे एक्सट्रैक्ट बेस एमसीक्यूज एमसीक्यूज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करवा देने वाली हूँ हो गया सो आज वी हैव वन के वॉचिंग होल्डिंग दिस थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच मीन्स अलॉट मीन्स अलॉट ओके दिस इज योर फर्स्ट दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन व्हाई डिड डगल गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ हाँ जी डगलस जी क्यों गए थे लेक वेंटवर्थ क्यों गए थे ऑप्शन ए टू शो केस स्किल्स फॉर ऑल हु हैड डाउटेड हिम ताकि से वो ताकत दिखा सके उन सब की जिन्होंने उन पे भरोसा नहीं किया जैसे आज एस डी सी आर्मी ने दिखा दिया है एस डी सी आर्मी इज लाइक हम किसी से कम नहीं है हमें कम मत आको अगर आप हम पे भरोसा नहीं करोगे तो हम ईट का जवाब एकदम पत्थर से देंगे और वही चल रहा है वेरी गुड नेक्स्ट इज टू ऑनर द स्विमिंग इंस्ट्रक्टर सी कहता है टू बिल्ड ऑन हिज एबिलिटी ऑफ स्विमिंग इन नेचुरल वाटर बॉडी या फिर डी टू नो फॉर श्योर डेट ही हैड ओवरकम इज फ्य हाजी क्वेश्चन नंबर ए बहुत सारा स्पैम हो चुका है डी बोल रहे हैं बच्चे डी 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 के साथ पे कौन कौन है जल्दी से मुझे बता दीजिए क्या डी एकदम करेक्ट आंसर हो सकता है इसका क्यों नहीं क्यों क्यों गए थे डगलस लेक वेंटवर्ड आपको बता देती हूँ टर्म वन के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है ये और बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो बिल्कुल सही मेरे पास सात करोड़ होते ना तो मैं सात करोड़ दे देती आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर पक्का करने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर अभी भी वो डर है और मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा तो मुझे अकेले जाना है मुझे जाना है मुझे देखना है कि कहीं अभी मैं डूब तो नहीं रहा समझे नेक्स्ट देखो Select the option that lists the correct inference based on the information in the extract. Yes ji, wrong. Ho gaya? Koi bat a Voltai, Triggs Island and Stampact Island are both located in Lake Wentworth. B Keta Lake Wentworth is a part of Triggs Island. C says, Stampact Island is 2 miles away from New Hampshire. और डी कहता है लेक वेंटवर्थ इज कनेक्टेड टू न्यू हेमशायर एक बहुत ही कमाल की बात हमारे तनुष्का जी ने कही है कहते यार जाते जाते को तो कर दो यार उसमें कौन सा पैसा लग रहा है आ? सेशन को कम कम से गम भी कर दो चलो बढ़िया है हाँ जी बी बता दीजिए जल्दी से बता दीजिए बिल्कुल करेक्ट आंसर देखे कौन ने दिया है क्या लग रहा है डी अरे हर क्वेश्चन का आंसर डी नहीं है सबका आंसर डी नहीं है क्या लग रहा है जल्दी बता दो जल्दी बता दो डी नहीं 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 अरे आपको बताना है सेलेक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट इन्फेरेंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट इन्फेरेंस का मतलब है क्या होता है इन्फेरेंस का मतलब होता है आपके सामने ये एक्सट्रैक्ट है

या फिर डी लेक वेंटवर्थ इज कनेक्टेड वायर डॉग्स टू न्यू हेमशायर जितना ज्यादा कन्विंसिंग डी लग रहा है उतना ही गलत है ए इज द करेक्ट आंसर ए होगा ए, ए ए ए ट्रिक्स आइलैंड और स्टैम्पैक्ट आइलैंड दोनों ही लेक वेंटवर्थ वेंट में लोकेटेड हैं ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज़ द रीजन फॉर द रिटर्न ऑफ टेरर टेरर के वापस आने का क्या रीजन होगा वॉट वॉज द रीजन ऑफ रिटर्न ऑफ टेरर टेरर के वापस आने का क्या रीजन होगा ए सुपरस्टिशन्स अबाउट द डॉक एट ट्रिग्स आईलैंड बी रीसेंट रिपोर्ट अबाउट ड्राउनिंग इंसिडेंट्स सी प्रायर ड्राउनिंग एक्सपीरियंसिस या फिर डी वार्निंग्स बाय एक्सपीरियंस स्विमर्स क्या लग रहा है सी हाँ जी क्वेश्चन नंबर सी है अरे क्वेश्चन नंबर सी है ऐसा ना सोचिएगा कि मेरे से गलती से आंसर निकल गया क्वेश्चन नंबर सी है आ ओके okay. बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा इसका प्रायर ड्राउनिंग एक्सपीरियंसेस प्रायर ड्राउनिंग एक्सपीरियंसेस रिटर्न ऑफ टेरर का मतलब है कि जरूर टेरर पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा और पहले टेरर एक्सपीरियंस किया होगा तभी तो अभी वो कह रहे हैं कि वो टेरर रिटर्न हो गया तो प्रायर प्रायर मतलब पहले ड्राउनिंग यानी डूबना एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस वाला एक्सपीरियंस है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डी ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर ही मीनस दैट ही फेल द फमीलियर फीलिंग ऑफ ए एट इरेग्युलर इंटरवल्स B, on a small scale C repeatedly ya fir D या फिर भाई तो यहां पर रिटर्न इन मिनिएचर का क्या मतलब है रिटर्न इन मिनिएचर का क्या मतलब है क्या इसका मतलब है कि फेमिलियर फीलिंग जो है वो इरेग्युलर इंटरवल्स पर वापस आ रही है या फिर स्मॉल स्केल पे वापस आ रही है या फिर बार बार वैसा फील हो रहा है या फिर विदाउट नोटिस अरे वो मिनिएचर नहीं देखते हो क्या मिनियंस वाले मिनिएचर छोटे छोटे हाँ तो मिनिएचर मतलब वो छोटे छोटे वो नहीं होते कार्टून्स के नहीं होते हैं हाँ तो मिनिएचर वही है तो इसीलिए बी होगा इसका कि वो जो पूरा डर था ना वो पूरा का पूरा डर वापस आ रहा था स्मॉल स्केल पे वापस आ रहा था सो रिटर्न इन मिनिएचर करेक्ट आंसर ई देखेंगे हाजी ई हाउ डिड डगलस हैंडल दी ओल्ड सेंसेशन डगलस ने ओल्ड सेंसेशन को कैसे हैंडल किया ओल्ड सेंसेशन अब बच्चों हमेशा याद रखना जब यहां सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ हो तो सामने वाला इसे हाईलाइट करना चाहता है जब यहां पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ हो तो सामने वाला इसे क्या करना चाहता है हाईलाइट करना चाहता है और अगर हाईलाइट करना चाहता है तो इस पर फोकस करके ही ऑप्शन का चुनाव करेंगे तो क्या होगा एड्रेस डेट हा क्या उन्होंने ओल्ड सेंसेशन को कैसे कैसे टैकल किया एड्रेस करके अवॉइड करके सबमिट करके कि ठीक है भाई खत्म टाटा बाय बाय या फिर स्टेड इन डिफरेंट टू इट या फिर स्टेड इन डिफरेंट इन डिफरेंट का मतलब समझते हो इग्नोर राखी जी करती है ना वो वाला इग्नोर इन डिफरेंट जी ई जल्दी से बता दो जल्दी 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 It मेरी जान, it. उनको जब भी डर लगता था जब भी वो ओल्डन वापस आती थी he used to address it. वो address करते थे, अरे अच्छा मिस्टर टेरर क्या कर रहे हो यहाँ पे मुझे डराने आयो ये देखो और फिर वो स्विम करते थे समझे करेक्ट आंसर अड्रेस डेट ओके okay. क्या करें एक और क्वेश्चन करें है एनर्जी एक और क्वेश्चन करने की एक्सट्रैक्ट बेस पूरा एक्सट्रैक्ट एक और करें या फिर खत्म करें क्लास को जल्दी बताओ जल्दी बताओ क्या चाहती है बच्चा वाड़ी एक और क्वेश्चन या क्लास खत्म ठीक yes, no. yes, है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो 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 एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ये लो, ये रहा आपका एक्सट्रैक्ट अच्छा चलो चलो ये ये वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं एवरी वन प्लीज लाइक द सेशन एज वेल ताकि से ऐसा सेशन आप कभी भी मिस ना करो और कभी भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस लग रही हैं तो आपको रिकमेंडेशन आते रहे है ना ओके okay. जी रीड द एक्सट्रैक्ट एंड गिवन गिवन एक्सट्रैक्ट बिलो एंड आंसर द दैट फॉलो आई नेवर वेंट बैक टू द पूल आई फ्योर्ड वॉटर आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कोड A few years later, when I came to know the waters of cascades, I wanted to get weather, uh, into them. And whenever I did, whether I was wading in Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror uh, that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. नींद आ रही है कोई बात नहीं कोई बात नहीं बस बस ये इसके इसका थोड़ा से क्वेश्चन करके फिर चले जाना तीन चार क्वेश्चन है चलिए तो आप पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है मैं जाती हूँ लीजिए ठीक है ठीक है ओके पढ़ लिया ठीक है चलो 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 ये लो क्वेश्चन जल्दी मैं जल्दी से करा देती हूँ जल्दी से छोड़ देती हूं फ्रॉम दी एक्सट्रैक्ट इट कैन बी इन्फर जब हम लोग ये एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं तो हमें उससे पता चलता है कि डगलस वॉज डैश वेन ही रोड लाइन्स यानी वो क्या था वॉज अ चाइल्ड वॉज अ स्कूल बॉय वॉज अ टीनेजर या फिर वॉज एन एडल्ट इसका पी डी एफ प्लीज अच्छा मैं मेरे को ऐसा लग रहा है देखो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यू गाइस कॉन्स्टेंटली आपने यहाँ पे वन के वॉचिंग रखा है एंड इट्स अ न्यू चैनल दैट आई एम वर्किंग ऑन आई हैव वर्कड ऑन माई चैनल वहाँ पे आपने इतना सपोर्ट दिया है कि हम लोग अट्ठारह हज़ार बीस हज़ार तक की वॉचिंग देख चुके हैं एंड हमने मैंने बाकी जितने भी चैनल्स पे काम किया है वहाँ पे भी आप बहुत प्यार हमेशा देते हैं बट ये नया चैनल है जहाँ पर आ, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को बढ़िया कंटेंट दे सकूँ तो हमने अभी बस शुरुआत ही करी है और आपने इस शुरुआत पर मतलब एकदम है ना ऐसे ऐसे ऐसा बढ़िया धमाकेदार शुरुआत कर दी है कि ठीक है अभी मज़ा आएगा ऐसा वाला तो इसके लिए वट आई डू एज आई गिव यू टू हंड्रेड फॉर प्रैक्टिस आई विल गिव यू टू हंड्रेड क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस आई विल शेयर आई विल शेयर आ पी डी एफ ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपके पास में टू हंड्रेड क्वेश्चन होंगे फॉर प्रैक्टिस यूड बी एबल टू प्रैक्टिस इंग्लिश के सारे चैप्टर्स में से आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में से सारे सारे जगह से तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है एंड आई विल शेयर द पी डी एफ ऑन टेलीग्राम मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी डन है डन है चलो चलो थैंक यू चलो अ चाइल्ड स्कूल बॉय अ टीनेजर एंड अडल्ट जल्दी जल्दी बिल्कुल सही है एन अडल्ट ऑटोबायोग्राफी लिखा है ऑटोबायोग्राफी लिखा है तो जब अपने पुराने दिनों को याद करते हैं अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं बड़े होकर तो इसी तरीके से ये लैंग्वेज उन्होंने लिखी है इस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है एज एफ वो बड़े हो गए हैं और पुराने दिनों को याद कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी स्टूडियो लाइट्स के अंदर ऐसे खतरनाक गर्मी हो रही है बहुत गर्मी हो रही है विच वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज वुड ब्रिंग बैक डगलस इज ओल्ड ओल्ड टेरर क्या लगता है कौन सी ऐसी पानी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज है जो डगलस के पुराने डर को वापस ले आएंगी कौन सी ऐसी वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं जो डगलस के पुराने डर को वापस ले आएंगी इतना भी जोश में नहीं आना है ये स्पैम जो कर रहे हैं जो आज पूरी रात पढ़ना है हाँ इतना भी जोश में नहीं आना है है ना ओके वेरिंग इन अ रिवर कैंपिंग बाय अ रिवर फिशिंग इन अ रिवर कैनोइंग इन अ रिवर बोटिंग ऑन अ लेक स्विमिंग इन अ रिवर वॉकिंग बाय अ रिवर या फिर बेदिंग इन अ लेक। अट गई अट गई अट गई हाँ तो ऑप्शन ए है वन टू फोर फाइव सिक्स एट बी है वन टू थ्री फाइव सेवन एट है वन थ्री फोर फाइव सिक्स एट और डी है टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट एक को चूज कर लो बस एक को चूज कर लो काफी एलिमिनेट हो जाएंगे एक तीर से बहुत सारे निशाने लग जाएंगे बहुत सारे निशाने लग जाएंगे जल्दी से वेडिंग अ रिवर तो पक्का करते हैं। वेडिंग का मतलब सोचते हो वो नहीं होता टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में हीरो हीरोइन एकदम पानी से निकलते हुए चलते हुए आते हैं हाँ, ah, तो बिल्कुल सही है ए ये वन तो कर लेते हैं अगर वन कर लेंगे तो डी एलिमिनेट हो जाएगा तो वेडिंग तो है कैंपिंग योर रिवर क्या लगता है कैंपिंग योर रिवर नहीं देखा कैंपिंग योर रिवर नहीं देखा नहीं देखा तो हटा दो सेकंड को हटाएंगे तो अपने आप वन ए चला जाएगा और बी भी चला जाएगा देखो मैंने कुछ नहीं किया सिर्फ फर्स्ट वाले को सेलेक्ट किया वेडिंग मेरे को दिख रहा था पैसेज में तो उसको सेलेक्ट किया तो मेरा डी चला गया सेकंड वाला कैंपिंग बाय रिवर मुझे नहीं दिख रहा था तो उसको एलिमिनेट किया तो मेरे पास अपने आप ही सी आ गया जिसका मतलब है वेडिंग फिशिंग कैनोइंग बोटिंग स्विमिंग वॉकिंग बेदिंग एवरीथिंग वॉकिंग भी नहीं है इसमें वॉकिंग नहीं है क्योंकि वॉकिंग भी नहीं है इसमें वॉकिंग एंड वेडिंग इज वन एंड द सेम थिंग है ना तो सी विल बी दी करेक्ट आंसर चलो 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 चूज द टू मीनिंग ऑफ द वर्ड हॉन्टिंग फ्रॉम जी आपके पास में एक वर्ड है हॉन्टिंग इसके दो मतलब निकाल दीजिए दो मतलब निकाल दीजिए पहला डिस्करेजिंग थ्रू फियर दूसरा एग्रवेशन बाय डिराइडिंग और डिरेरिंग और मॉकिंग और क्रिटिसाइजिंग या फिर कंटिन्यूली रिकरिंग टू द माइंड या फिर हैविंग अ डीपली डिसक्वाइटिंग और डिस्टर्बिंग इफेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर सी ऐसी चीज जो बार 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 दिमाग में आई जा रही है आई जा रही है आई जा रही है ना डरावनी कोई एक चीज जो बार 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 आई जा रही है एक ऐसी चीज जो आपके दिमाग पर एक भयंकर इफेक्ट लेकर आ जाए कहते हैं ना दिमाग पर घर कर जाए एक ऐसी चीज जो आपके दिमाग पर घर कर जाए है ना ओके बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका सी होगा हॉन्ट कर रहा है मेरे को बार 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 दिमाग में आता जा रहा है मुझे डराता जा रहा है डिस्टर्ब करता जा रहा है ओके लास्ट क्वेश्चन कर लो लास्ट क्वेश्चन कर लो विच काइंड ऑफ प्रॉब्लम वुड डी टेरर दैट हॉन्टेड डगलस बी या डगलस को एक, एक परेशानी है ठीक है डगलस को एक परेशानी है और वो परेशानी कौन सी है क्या yeah, वो परेशानी साइकोलॉजिकल है सोशोलॉजिक सोशोलॉजिकल uh, है जोग्राफिकल है फिजिकल है उसको जो बार 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 फियर हॉन्ट करता है वो परेशानी जो है वो कौन सी परेशानी है साइकोलॉजिकल, या फिजिकल? बिल्कुल करेक्ट होगा साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ये उसको साइकोलॉजिकल दिक्कत है उसको दिमाग में डर घर कर गया उसका डर बैठ गया है दिमाग के अंदर है ना ऐसा है और राइट right, तो इसके साथ में हमने डीप वाटर के एक्स्ट्रैक बेस एमसीक्यूज कर लिए हैं और आपने एकदम कांस्टेंटली यहाँ पर सपोर्ट दिखाया है और इसी तरीके से आप कांस्टेंटली सपोर्ट दिखाते रहिए और uh, मेरे जितने भी लाइव क्लासेस होते हैं उनमें ज़रूर आइए ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए और अगर आपको ये लाइव क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी एंड इसे शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि सबको पता चले कि हम कैसे लाइव क्लासेस यहाँ लगाते हैं एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि इससे आप कोई भी अपडेट मिस ना करें ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि इसे आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं लाइव आऊँ ठीक है अच्छा इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपके लिए आज ऑफ कोर्स आपने मुझे सपोर्ट किया है तो 200 क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम पे डालने वाली हूँ तो प्लीज़ वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा एंड दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आई लव यू गाइज गुड नाइट गुड नाइट एवरी गुड नाइट Bye bye, take care.